दक्ष यज्ञ स्थल रे भगवान विष्णु नारायण कर आविर्भाव देखी देवता माने जाई स्तुति करुचंती, ब्राह्मण पत्नी माने जाई स्तुति करुचंती, विद्याधर माने जाई स्तुति करुचंती। विगत पर्याय आस्वादन करुथिले तो कथा अमृत नसेबे एणु पड़ई भवार नबे। हे महाप्रभु, जे आपणकर कथा रूपी अमृत को सेवन न करे से संसार को परे पतित हो जाए। आज आसतु आस्वादन करवा ब्राह्मण माने भगवान को कौन प्रार्थना करुचंती। तो नाथ यज्ञ अग्नि सोम तो नित्या चार विधि कर्म गोविंद 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 पदुगड़ुछि मकरंद समिध पात्र तुरुति यज्ञादि यजमान दीज गोविंद 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 पदु गणुछि मकरंद तु स्वाहा सोधा यज्ञ पशु तु यज्ञ पुरुष प्रकाशु गोविंद 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 बोले सच्चिदानंद भगवान की। समस्त ब्राह्मण मान एकत्रित तो भगवान को पाखरे तंकर भाव को निवेदन करुचंती। तू नाथ यज्ञ यज्ञ अग्नि सम हे महाप्रभु, आपण निजे ये यज्ञ आ से यज्ञ अग्नि आपण निजे होती सम आपण होती नित्याचार आपण जिते विधि विहित कर्म विधिर जो कर्म अच्छी विधि कर्म आपण निजे होती सबू आपण निजे समिध आपण होती पात्र आपण होती ऋतिज आपण होती यजमान आपण होती द्विज। ब्राह्मण मानक भितर आपण अच्छा यज्ञ आपण अच्छा ये मंत्र ही होती आपण ये घृत होती आपण ये पात्र होती आपण ये समिध होती आपण ये ऋतुज होती आपण यज्ञ पुरुष होती आपण यजमान भी होती आपण। ब्रह्मनिष्ठ श्रुतीय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण माने भगवान को दर्शन करी कृतार्थ ही जाइछन्ति कृतज्ञ रो कहु कृतज्ञता प्रकाश करुछन्ति प्रभु को पाखरे सबु आपण सबु आपण सबु आपण ये जेते यज्ञ होछि प्रभु कहा पाई आपण क पाई आपण निजे धर्म रक्षा करिया पाई केतबले मच्छ केतबले कछप केतबले बराह केतबले नृसिंह केतबले बामन केतबले परशुराम केतबले राम केतबले बलराम केतबले बुद्ध केतबले कल्कि रूप से आपण आगमन करते भक्त आपणकर ये जावतीय लीला संग्रामे हिरणाक्ष जीणी गोविंद दंताग्रे धैलु धरणी गोविंद 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 धरणी स्थापी महाजले गोविंद जेणु ये रही सले गोविंद 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 मधु गणुछि मकरंद गोविंद तोहर कर्म यज्ञ देव गोविंद जा देखी जोगी कले सब गोविंद 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 मधु गणुछि मकरंद गोविंद जार नाम उच्चारण गोविंद करई विघ्न करसण गोविंद 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 पदु गणुछि मकरंद गोविंद तुम्हें जे सही भगवान गोविंद आम्भ कुहतु प्रसन्न गोविंद 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 पदु गणुछि मकरंद गोविंद सकर्मे भस्त आम्भे होई गोविंद आम्भर आनगति नाही गोविंद 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 मधु गणुछि मकरंद गोविंद सकल कर्म साक्षी तु ही गोविंद भोनाथ रख भाव ग्राही गोविंद 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 गोविंद
ओदुगळुथी मकरंद गोविंद बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज ब्राह्मण माने भगवान को स्तुति करी प्रार्थना करी निवेदन करुछंदी हे प्रभु आपण कण करिछंदी दंताग्रे धैलु धरणी संग्रामे हिरण्याक्ष जणी जेतले पृथ्वी रसातलगामी हेतला सेही समय आपण बसती दशन शिखरे धरणी तब लग्ना शशिनी कलंक कलयुब निमग्ना केशव धृत शुकर रूप जय जगदीश हरे आपण निजे बराहावतार हे दंताग्रे पृथ्वी के धारण करथिले एवं हिरण्यक सहित जो भयंकर युद्ध करथिले से युद्ध रे हिरण्यक शिव को हिरण्यक्ष को आपण कण करथिले बद्ध करथिले मुक्त करथिले ताको जो दुई भाई थिले हिरण्यक्ष एवं हिरण्यक शिव हे महाप्रभु पृथ्वी के रक्षा करिया पर हिरण्यक्ष को उद्धार करिछंती आपण धरणी स्थापी महाजळे जेणुए रहिला निश्चळे आपण सेदिन धरणी को उद्धार करी एही महाजळ उपरे स्थापना करथिबारु आज पर्यंत ये धरित्री तिष्ठि रहिछि या तले जल सबुआड़े जल कि भाषुच्छे केमी भगवान रखिंट बोली कहीं पृथ्वी में तीन भाग जल गोटे भाग स्थल जमीती डंगा जल उपरे भासु थाए ये पृथ्वी गोटे नौका सदृश भासुची किंतु भगवान स्थापना करथिबारु यहाँ स्थिर होकरी रही तेणु हे महाप्रभु तोहर कर्म यज्ञ देव जा देखी जोगी करे स्तव आपणकर कर्म को देखी जोगी माने स्तव करती प्रार्थना करती स्तुति करती आपण को जहाँकर नाम को स्मरण कले सकल कलमश विनाश ही थाए महाप्रभु हे प्रभु करुणार वरुणालय हे भक्तवांछा कल्पतरु आपण कृपापूर्वक टिके आम उपरे प्रसन्न हुवंतु आंभर अनगति नाही सकर्मे भ्रष्ट आमे होई आमे बेले बेले कर्मरे भ्रष्ट हो जाऊ प्रभु आमको उद्धार करने को आपण के छड़ा किए अच्छे आमर आ कि गति ना प्रभु आपण आमको मुक्ति करतु आपण निजे हूँ समस्त कर्मर साक्षी स्वरूप हे भावग्राही जदि ये यज्ञ भ्रष्ट हो गला ये यज्ञ भ्रष्ट है दर्शन बांछा कलु तेब ये यज्ञ भ्रष्ट हबारु भगवान शंकर द्वारा आम आपण को प्रार्थना कलु टे दर्शन करने कहीं आम तो यज्ञ समस्त नाम मातिलु हे प्रभु तोर पाद तले प्रणत होइलु सकले ये यज्ञ भ्रष्ट हो सत्य किंतु जहार परिणाम स्वरूप आपणकर दिव्य दर्शन प्राप्त है प्रभु तेणु आपण आमर शरण देला बाला कृपा कला बाला हे प्रभु हे कृपाणु हे दयालु हे शरण रक्षक महाबाहु आपण के चरण तले आम कोटि कोटि प्रणाम नवेदन करुच ब्राह्मण माने भगवान को सर्वस्व मने करदिओ विप्रप्रिय धार्मिक ब्राह्मण मुखमासित भगवान मुखर ब्राह्मण सृष्टि भगवान ब्राह्मण प्रिय तथापि ब्राह्मण माने प्रार्थना करुछंती हे प्रभु आपण क्षमा करंतु आमे कर्मरे भ्रष्ट हो जाइछु अबाटरे चली जाइछु आमे जो भूल करिछु ताकु सुधारिया पई आमे आपण चरण तले विनम्र भाव रे प्रार्थना करुछंती निउछाळी होउछंती एक कथा को मैत्र मुनि विदुरंक पाखरे उपस्थापन करुछंती मैत्र वाच ए मन्ते कले सर्वे स्तुति सुनि संतोष यज्ञपति गोविंद 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 ओदुगळुछि मकरंद दक्ष को चाहि चक्रपाणी मेघ गंभीर मंजुवाणी गोविंद 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 ओदुगळुछि मकरंद प्रसन्ने कहिले मुरारी दक्ष को संबोधन करी गोविंद 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 ओदुगळुछि मकरंद बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान होती स्तुति प्रिय भगवान होती स्तव प्रिय से प्रार्थना प्रिय तेणु जितेबले समस्ते एकत्रित हो गले ब्राह्मण माने ऋतुज माने
ଦଶଦିଗପାଳ ଲୋକପାଳମାନେ ଏବଂ ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ଋଷିମାନେ ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସ୍ତବ କଲେ, ସ୍ତୁତି କଲେ। ଭଗବାନ ତ ସ୍ତବ ପ୍ରିୟ, ସ୍ତୁତି ପ୍ରିୟ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ଏମନ୍ତେ କଲେ ସର୍ବେ ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଯଜ୍ଞପତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ସ୍ତୁତି କଲେ, ସମସ୍ତେ ସ୍ତୁତି କରିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ, ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଗଲେ, ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଏବଂ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଚକ୍ରପାଣି ମେଘ ଗମ୍ଭୀର ମୃଦୁ ବାଣୀ, ସେ ଦକ୍ଷକୁ ଚାହିଁକିରି ମେଘ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଦକ୍ଷକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷଙ୍କର ଆଉ ସେଇ ପୂର୍ବ ମସ୍ତିଷ୍କ ନାହିଁ, ଛାଗଳ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଅହଙ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ହେଲେ ମଣିଷକୁ କ'ଣ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ? ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ମଣିଷକୁ ବିନାଶ କରେ। ଏଇ କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼େ, ଯଦି ପଦପଦବୀ କେବେ ମିଳିଲା ତାକୁ ନେଇ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଥିଲେ, ପ୍ରଜାପତି ପଦ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଦର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଗତି ହେଲା? ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ନରହରି, ଗର୍ବ ନ ସହନ୍ତି କାହାରି। କେବେ କୌଣସି ପଦପଦକୁ ନେଇ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରାସନେ, କାଲି ସେ ଫକୀର। ଆଜି ରାଜା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି, ସବୁଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପଦ ମିଳିବ, ଦିନେ ଫକୀର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମା ବାପାମାନେ ଯଦି ଭଗବାନ କୃପା କରି କରୁଣା କରି ଆମକୁ କୌଣସି ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଛନ୍ତି, ତା'ର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାକୁ ଅସତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଜୟ ବିଜୟଙ୍କ ଭଳି ଦ୍ୱାରପାଳ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ପରିରେ ଥାଇ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ରହିଲାନି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସ ଯୋନି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଯିଏ ଆଜି ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସେବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇକରି ଅଛେ, ସେବାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ଆପଣ ଅଫିସର ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜର ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦପଦୀରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଯଦି ଆସିଛି ସୁଯୋଗ, ହରାଓ ନା ଭାଇ ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟ। ସୁଯୋଗ ହାରିଲେ ଆସ ଏଇ ଦୁର୍ଯୋଗ, ସୁଯୋଗ ଦୁର୍ଯୋଗ ହୋଇଯାଏ ଭାଗ। ପ୍ରେମାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ତା'ର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା, ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୋଷ ହେବେ, କରୁଣା କରିବେ। ଯଦି ତା'ର ଦୁରୁପଯୋଗ କଲେ, ଗୋଟେ ପଦବୀ ପାଇଛେ ମାନେ ଯାହାକୁ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କରିବେ, ଏହା ହେଲାନି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେମିତି ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଇ ନିକଟରେ କୌଣସି ଏକ କଲେକ୍ଟର, କୌଣସି ଏକ ରାଜିରାମ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପିଅନଙ୍କର ଅବସର ସମୟ ଆସିଲା। ସେ କଲେକ୍ଟର ସାହେବ ସେ ପିଅନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁକିରି ନମସ୍କାର କଲେ। ପିଅନ ଆଉ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କଲେକ୍ଟର ସାହେବ କହିଲେ, ନା, ବୟସଙ୍କୁ ଆଗ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ହଁ, ମୋ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ କଲେକ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ମୋର ପିତାଙ୍କର ବୟସ ରହିବେ, ଇଏ ଯେହେତୁ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ମୋର ପିଅନ କି? ଆଉ ତେଣୁ ସିଏ ମୋର ପ୍ରଣାମ୍ୟ, ସିଏ ମୋର ନମସ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏ କଥା ଆମେମାନେ ଶୁଣିଲେ କେମିତି? ବହୁଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଯଦି ପିଅନକୁ ଆମେ ପିଅନ ଭଳି ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା, ତାହା ସମ୍ଭବ କି? ଗୋଟେ ପଦବୀ ମିଳିଛି, କାଲି କ'ଣ ମୋର ସେହି ପଦବୀ ରହିବ? ତେଣୁ ମା ବାପାମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବଳବତୀ ମାୟା। ଇଏ ମାୟାରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ନେବା, ନହେଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ। ଭଗବାନ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ହର ରୂପ ଧରି ଏ ବିଶ୍ୱ ସର୍ଜି ପାଳି ହରି। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏଣୁ ମୋହର ତିନି ଗୁଣ ସଂସାରେ ପରମ
कारण गोविंद 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 पदु गाड़ुछी मकरंद बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। महाराज दक्ष प्रजापति को संबोधन करी भगवान विष्णु कहउचंती हे महाराज दक्ष प्रजापति आपण मोर भितरे आ ब्रह्मा शंकर भितरे कौनसी पार्थक्य नाही कना मु निजे ब्रह्मा रूपरे आसे शंकर रूपरे आसे आउ ये विश्व को सृष्टि करे पालन करे आउ संहार करे मु ब्रह्मा हर रूप धरी ये विश्व सर्जी पाली हरी ये विश्व को सर्जना करिबा पालन करिबा एवं विनाश करे मु निजे एणु मोहर तीन गुण संसारे परम कारण सत्व रूपरे मु ब्रह्मा रूपरे सर्जना करे रज रूपरे विष्णु लालन पालन करे तम गुण रे मु कौन करे शंकर रूपरे सृष्टि की विनाश करी थाए त्रिगुण रजु करे धरी मुर्गी नचाए नर हरि मु निजे ही तीन गुण को धारण करिछि जीव को संसार रे कौन करिछि जेमिति केला कंडे नचिला बेले तार सूता को धरिक लुचिकी थाए जेमिति सूता को नचौ थाए सेमिति कंडे नृत्य करू थाए तेणु ये सारा संसार रे भगवान विष्णु नारायण आम समस्त कंडे कर नचे चली किंतु आमे मायार वशीभूत होकरी एही कथा को बुझी पारु नाही भगवान सही कथा दक्ष प्रजापति की कहिले एणु मोहर तीन गुण संसारे परम कारण यही जो सत्य रज तम गुण रे ये सृष्टिर परम कारण मु निजे समस्त को नचौछि मु ब्रह्मा मु विष्णु मु महेश्वर मु निलेप मु निरंजन मु सकल भूतरे आश्रित समस्त भितरे मु अछि तेणु जहाकू जेबा शिक्षा दे गोविंद प्राणी छाड़बे गोविंद 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 पदु गाड़ुछी मकरंद गोविंद ज्ञानी की मोरूप गोचर गोविंद ज्ञानी जने मुहिंदूर गोविंद 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 श्रीमद भागवत भगवान की सकल भूतरे मु विराजमान करिछि ईश्वर सर्वभूतानां हृदुदेश अर्जुन तिष्ठति गीतारे भगवान कहले हे अर्जुन मो समस्त जीव मान भीतर अच्छी हृदय रे भागवत रे कहले सकल घटे नारायण अनादि परम कारण ईश्वर बसे सर्वदेहे ए घेनी नमुच्छी निर्भये भगवान सही कथा कहते दक्ष प्रजापति की निलेप निरंजन मुहि सकल भूते मु बसई मो निलेप कौथे लिप्त नुहे मो निरंजन किंतु समस्त भूतरे मु विराजमान करिछि स्वयं भगवान निज कथा को निजे आज विज्ञापित करुछन्ति प्रभु कहते दक्ष प्रजापति की हे दक्ष प्रजापति समस्त घटे मु विराजमान करिछि मु निर्विकार मु निरंजन तेणु मु मोर रूप नाही मो रूप किंतु पुणी रूप धारण करे भक्त मानक पाई भक्त लागी मु साजे नाना बेस ताहा पाई पुणी सहे बहु क्लेश भक्त लागी मु साजे नाना बेश ताहा पाई पुणी सहे बहु क्लेश भक्त पराण जागिले मानस भक्त पराण जागिले मानस भक्त पराण जागिले मानस भक्त पराण जागिले मानस अविलम्बे करे तापासे गमन भक्त मोर प्राण भक्त मो जीवन भक्त पाई मोर नाम भगवान भक्त मोर प्राण भक्त मो जीवन
जीवन भक्त पाए मोर नाम भगवान। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। महाप्रभु निजे कहते हे दक्ष प्रजापति मो निर्गुण निराकार निर्लिप निरंजन हेले भक्त पाई मो अति आपणार तारी पाई मो नाना प्रकार वेश धारण करी थाए भक्त मोर प्राण भक्त मोर जीवन भक्त पाई मोर नाम भगवान। निर्लिप निरंजन मुही सकल भूते मु बसई जहाकू जेबा शिक्षा दे प्राणी छाड़े ताहा काई मो जहाँ को जो शिक्षा देची से सही प्रकार आचरण करुचंती आउ ज्ञानी की मो रूप गोचर अज्ञानी जने मुहि दूर। जो माने ज्ञानी से माने मते बुझी पारंती जानी पारंती तांको मु गोचर हुए जो माने अज्ञानी से माने मते केमती जानिबे केमती बा बुझिबे। तेणु देख ए देह मध्य गते शिर चरण कर जेते यहाँ भिन्न प्राय मणे आत्मार गति न प्रमाणे। आम देहरे विभिन्न अंग प्रत्यंग अच्छे किंतु आत्मा कौटी अच्छी आम जाचे आमे कहे मो हाथ मो गोड़ मो मुंड मो नाक मो कान ये सब मोर मोर कहे किंतु मो आत्मा कौटी अच्छी मुझे से जो आत्मज्ञान टी हूँ भगवान दिव्य ज्ञान आध्यात्म विद्या विद्यान आध्यात्मिक विद्या जो विद्या बल आम आत्मा को बुझीपर जापर से आत्मा ही हूँ भगवान से हूँ ब्रह्म से हूँ परमात्मा से आम भितर विराजमान करमर दैनिक 21,600 थर निश्वास प्रश्वास जाए पवन को भितर को टाणुचे किए आड़ुचे किए किए जड़े ता भर अच्छी ना से पवन को टाणुच पुणी छाड़ू जो जनक भितर थी ये सब कार्य करे आउ कई नुंति भगवान कहते मुझे से देख ए देह मध्य गते गोविंद शिर चरण कर जेते गोविंद 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 पदुगढ़ छी मकरंद गोविंद एहा कु भिन्न प्राय मणे गोविंद आत्मार गति न प्रमाणे गोविंद 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 पदुगढ़ मकरंद गोविंद। बोले श्रीमद भागवत भगवान की जय। भगवान से अमृतमय कथा आज दक्ष प्रजापति की शुणाऊंती ये आम समय हो जाए पुणी से अमृतमय कथा को आगामी पर्यायर आस्वादन करवा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। बोल जगन्नाथ महाप्रभु की जय।